न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षय वेद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। बच्चों को हुआ खतरा, नागपुर में 62% स्कूल बसें बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के मिली। नागपुर के स्कूल में जाने वाले बच्चों के अभिव्यक्तियों के लिए यह बात चिंताजनक है कि नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली स्कूल बसों में 1098 बसें अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना ही चलती है। इसका मतलब है कि स्थानीय मीडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार 62% स्कूल बसें फिटनेस नियम का उल्लंघन कर रही है। नियमों के मुताबिक स्कूल बसों पर हादसों, तकनीकी खराबी से बचने और छात्रों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। चूंकि लंबे कोविड प्रेरित ब्रेक के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं, लगभग 40% छात्र स्कूल बसों का उपयोग करते हैं, 30% स्कूल वैन का विकल्प चुनते हैं और 10% स्कूल जाने के लिए ऑटो पर निर्भर है। छात्रों की सुरक्षा अनुश्चित करने के लिए बच्चों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। नियमों में स्कूल बसों का रंग, बैठने की क्षमता और गति सीमा शामिल है। अदालत के आदेश और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO के निर्देश के अनुसार छात्रों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को वार्षिक निरीक्षण के लिए जाना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार गर्मी की छुट्टियों में वार्षिक निरीक्षण को लेकर RTO ने नोटिस जारी किया था, लेकिन लगता है कि अधिकांश ऑपरेटरों ने नोटिस की अनदेखी की है। स्कूल बसों को साल में एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। निरीक्षण के दौरान वाहन की स्थिति, ब्रेक लाइट, परमिट, चालक की क्षमता, क्या मालिक और चालक के खिलाफ कोई अपराध दर्ज किया गया है, क्या यातायात नियमों का पालन न करने पर कोई दंड लगाया गया है आदि की जांच की जाती है। इन सभी मापदंडों की जांच के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसे समय सीमा के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य है। नागपुर शहर के 3 RTO ने 2886 स्कूल बसें पंजीकृत की। अधिकांश 1419 ग्रामीण RTO के साथ पंजीकृत है। इनमें से 375 के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। इस RTO में पंजीकृत 1024 स्कूल बसें और उनमें से 712 के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। इसी तरह सिटी RTO में पंजीकृत 443 स्कूल बसें हैं और उनमें से केवल 11 के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए MNS न्यूज TV ऐप। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर भी जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है।